May Allah's mercy be with you all. I am Mubarak Kafri. I have been writing in educational columns the last 38 years without break every week, which appears in 12 languages and in 17 newspapers. As it is, my this topic is the children are growing, but why not the parents? Why they are not growing? Means why they are not realizing their responsibilities and the challenges they are facing. What is the reason for that? ये टॉपिक जिसमें मैं बात करने वाला हूं उसमें पेरेंट्स की तरफ से यूजुअली जो भी एक गफलत बरती जा रही है और वो कॉमन बन गई है उसके ताल्लुक से मैं बात करने वाला हूं. Our education system was triangular in shape, students, parents, teachers. Then one more vertex was joined to it and it became a square shape, students, parents, teachers and the management of the institution, however positive it is, वो कितना positive है किसी institution के ताल्लुक से, students के ताल्लुक से, तो it became a square. फिर वो pentagon बन गया, एक और vertex उसको जुड़ गया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट एंड द सोसाइटी. तो सोसाइटी कितनी सेंसिटिव है, कितना हसास है, कितना समझती है अपने नीड्स को. पांच गरीब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, उन आगे पे दो बच्चों का यूनिफॉर्म मैं दूंगा, ऐसा बोलने वाला कौन है, क्या है? इस पेंटागन शक्ल को फिर एक और वर्टेक्स जुड़ गया जो बहुत ही खतरनाक वर्टेक्स जुड़ गया हाल ही में, और उसका नाम है गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट. हम कितनी ही तेज मारगिरी करें, कितना ही सोचें, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आती हैं जो हमारी सारे प्लानिंग धरी के धरी रह जाती है. और एग्जैक्टली यहां पर इस इंडिया में खासतौर पर ये जो हेक्सागन शक्ल जो बन गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और गवर्नमेंट जो पॉपुलिस्ट जो आवाम को खुश करने वाली पॉलिसियां जो इंट्रोड्यूस करती है, और उसका सबसे पहले शिकार होते हैं हमारे पेरेंट्स, वो उसको डिक्टो दे देते हैं. हर कंट्री में जो एजुकेशन पॉलिसी है चाइल्ड सेंटर के, ये बच्चा आपके हवाले किया है, इसका करियर, इसका कैरेक्टर, इसके सब कुछ इसका आपको बनाने का है. अनफॉर्चुनेटली पता नहीं वो कौन से बड़े ही चालाक किस्म के एडवाइजर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस करना शुरू किया हमारे यहां पर, ये बच्चा उसको क्या खुश करके फायदा, उसका भला करके फायदा क्या है, वो तो 18 साल से कम उम्र का है, डजंट हैव राइट टू वोट, उसको वोट नहीं देने का है. तो फिर क्या करो, पेरेंट्स को खुश करो, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो 20,000 पेरेंट्स यानी 20,000 वोटर्स. गवर्नमेंट की नजर में पेरेंट्स की डेफिनेशन सिर्फ वोटर्स की है, 20,000 वोटर्स. तो वैसे ही पॉपुलिस्टिक पॉलिसी जो है वो बनाने को लगे. 2009 में इसलिए आरटीए आ गए, तो पेरेंट्स को कैसे खुश करेंगे, वो तो एक ही फॉर्मूला है, ऑल पेरेंट्स विदाउट एक्सेप्शन वो एक ही चाहते हैं, उनका बच्चा स्कूल जाए न जाए, कॉलेज जाए नहीं जाए, अटेंडेंस हो न हो, लेकिन उसके प्रोग्रेस कार्ड पे पास का थप्पा मिल जाए, ये उनको मिल गया. और उन्होंने पॉलिसी लाई कि 8th तक 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं, नो एग्जाम. सब खुश हो गए, पेरेंट्स सबसे पहले खुश हो, बोले क्या गवर्नमेंट है यार, हमारा बच्चा केजी में डालो और फिर 9th में देखने को जाओ कि वो क्या कर रहा है. 9th में क्या कर रहा है, वो नाम लिखने को सीख रहा है, दो और तीन का पहाड़ा टेबल सीख रहा है. हमने ये जब पॉलिसी आई, मैंने कई अपने आर्टिकल्स उसमें लिखे, एक ड्रामा में लिखा था मैंने कि हम सब 8वीं पास हैं, और कई स्कूलों में खेला गया एनुअल डे में, उसमें मैंने लिखा था कि 9th का पहला दिन है, तो टीचर बोल रही है चलो बच्चों आज 9th का पहला दिन है, ओपन योर बुक एंड स्टार्ट योर स्टडी 9th में, चलो बोलो बच्चों ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल 9th. उसी ड्रामा में मैंने लिखा था कि एक हेडमास्टर एक प्रिंसिपल साहब है, वो अपने सारे साथी असाध्या कहते हैं कि आज जरा मैं जल्दी जाऊंगा स्कूल से, क्योंकि मेरे फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको देखने को जाने का है, मैटरनिटी होम में वहां पर जाने का है. कलीग्स टीचर्स दे आस्क हिम कि भाई सर आप जो बच्चा पैदा हुआ उसको देखने को जा रहे हैं, तो उसको क्या गिफ्ट देंगे उस बच्चे को जो आज पैदा हुआ है उसको? तो हेडमास्टर साहब बोलते हैं मैं सोचता हूँ उसको
आठवीं पास सर्टिफिकेट देके आ जाती है, क्योंकि जो पैदा हुआ जो धरती पे आया वो आठवीं पास है। इसलिए आज हिंदुस्तान का तालीमी निजाम एजुकेशनल सिनेरियो यह है कि सारा हिंदुस्तान आठवीं पास है और आधा हिंदुस्तान नौवीं फेल है। ये हमारे यहां पर सिनेरियो है, ये पेरेंट्स की ये गफलत की वजह से ही हो गया है। इसमें डिटो हर चीज को जू तू जो लेते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी की तबाह करने के लिए पॉलिसीज आ रही है, वो ये समझते नहीं है। अब इसमें जो ये सारे जो छह फैक्टर्स मैंने बताया, स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर्स वगैरह, उसमें पेरेंट्स का रोल कितना अहम, कितना इंपॉर्टेंट, कितना की रोल है, उसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा। एक जगह पर एक मैदान में म्यूनिसिपैलिटी के दो वर्कर्स कुछ काम कर रहे थे। एक आदमी एक कुदाल लेता है, उससे एक गड़ा खोदता है, ये डिग्स अ पिट, गड़ा खोदता है। दूसरा वाला आदमी आता है, मिट्टी भरता है, फिर से वो आदमी गड़ा खोदता है, मिट्टी भरता है। एक आदमी खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, बोले क्या बात है भाई, तुम इतनी मेहनत से ये गड़े खोदते हो, ये आदमी आता है मिट्टी भरता है। अरे तुमको मालूम है क्या, हम म्यूनिसिपैलिटी के तीन वर्कर्स हैं, मेरा काम ये है कि मैं गड़ा खोदूं। एक दूसरा और एक आदमी है एब्सेंट, आज काम भी नहीं आया, उसका काम ये था कि वो उसके अंदर बीज डाले। और ये तीसरा आदमी जो ऐसा काम ये है कि वो मिट्टी भर दे, लेवलिंग कर दे। भी दूसरा आदमी जो एब्सेंट बीज डालने वाला, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। गड़े खोदने का मकसद क्या था, जजरेगारी प्लांट ट्रीज, लेकिन वो दूसरा आदमी एब्सेंट होने की वजह से मकसद ही खत्म हो गया। ये दूसरा आदमी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में परमानेंट एब्सेंट है, और कौन है, वो है पेरेंट्स। क्या हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, बच्चे घर पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, रट रहे हैं, गड़ा भर रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी पेरेंट्स, बीज डालने वाला आदमी, मोटिवेट करने वाला आदमी, इंस्पायर करने वाला आदमी, आगे बढ़ करने वाला आदमी, मैं तुम्हारे साथ हूं, कहने वाले माँ बाप, मैं तुम्हारी आला तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए अपने जेवरात को बेच डालूंगी, ये कहने वाली माँ, मैं तुम्हारे आला तालीम के लिए अपने घर को बेच डालूंगा, ये कहने वाला बाप, ये माँ और बाप दोनों गैर हाजिर है। और इसलिए हमारे आंगन में इल्म का, तालीम का, एजुकेशन का जो पौधा उग नहीं रहा है, उसकी वजह यही है कि टीचर्स कितनी ही मेहनत करें, बच्चे कितनी ही मेहनत करें, लेकिन जब तक पेरेंट्स अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं, तब तक हमारे आंगन में इल्म का, तालीम का पौधा उगने से रहा। इतना इंपॉर्टेंट और इतना की रोल है माँ बाप का, कितना अहम रोल है। और इसलिए हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूं मैं कुछ सीखने के लिए, सब जगह पर पेरेंट्स की एक ही शिकायत, बोला हमारा बच्चा बहुत होशियार, बहुत होशियार, उड़ते परिंदे के पर गिन सकता है, इतना होशियार, लेकिन वो स्कूल है ना, स्कूल वहां बराबर पढ़ाई नहीं हो रही है। उस स्कूल की तरफ उंगली उठाने से पहले वो पेरेंट्स भूल जाते हैं कि जिस स्कूल की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, आपके बच्चे का पहला स्कूल नहीं है, आपके बच्चे का पहला स्कूल है उसकी माँ। माँ की फिक्र क्या है, माँ क्या सोचती है, माँ बच्चे का पहला स्कूल है। आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है उसका घर। घर में क्या हो रहा है, खोट कपट ढसा जलन गिबत साजिशें ये हो रही हैं, या प्यार मोहब्बत बड़ों का आदर सिखाया जा रहा है। घर आपके बच्चे का दूसरा स्कूल है। मैं तो कहता हूं कि घर आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी हमारे बच्चे सारी बातें अपने घरों में ही सीखते हैं। घरों घर नुमा यूनिवर्सिटियों का आज हाल क्या है, जल्दी से एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हैं, बच्चा भी बैठा हुआ है, इतने एक साहब को मिलने वाले आए, अब्बा खुशी के मारे चिल्ला, अरे आइए आइए निसार भाई आइए, क्या बात है, आपको देखने को आके तरस गई, आप आते नहीं, वहां आते वहीं से जाते, आना चाहिए, मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। 10 मिनट बाद निसार भाई चले गए। जैसे ही निसार भाई चले गए, वैसे ही अब्बा कहते हैं, खाम खा गया था यहाँ पर, अरे वहां आए थे तो वहीं से जाने का था, यहां का ही कौन आ गया, तुम्हारा भी टाइम गया चाय बनाने को, मेरा भी टाइम गया। वो बच्चा हक्का बक्का, अभी 15 मिनट पहले तो निसार भाई भी जान निसार हो रही थी, और जैसे वो चले गए तो उनकी बुराई हो रही है, उनकी गिबत हो रही है। घर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी उन्हें मुझे बताइए, इस धरती पर, अरे इंडिया में नहीं, इस धरती पर ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पर गीबत नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट हमारे घर की यूनिवर्सिटी का है, ये हमारे पेरेंट्स बताते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उसी की कॉपी करते हैं, उसी की नकल करते हैं।
ये जो है ये उसे की नकल करते हैं। मैं उसे एक मिसाल दूंगा कि कैसे और करते हैं। ये एक लड़का जो है, एक लड़का आम चोरी करने के लिए दरख्त पे चढ़ा, तो चौकीदार ने देख लिया, उसके वॉचमैन ने देख लिया, नीचे उतर आम चोरी पे, नीचे उतर उड़ा, मैं घर पे जाऊंगा तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। और बच्चा जो है, लड़का जो है, ऊपर बैठे बैठे जवाब देते हैं वॉचमैन को कि मेरे घर पे यार कुछ फायदा नहीं है, मेरे अब्बा तुमको घर पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं वो बाजू के झाड़ के ऊपर चले। हर 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 आपके बच्चे का स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सारी बातें वहीं सीखते हैं। कि आज हमारी इन यूनिवर्सिटियों का हाल क्या है, उसकी एक मिसाल दूंगा। माँ बाप बैठे हैं, बच्चा ही पढ़ रहा है, बच्चा जो है हिस्ट्री की बुक पढ़ रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, ये जब पढ़ते पढ़ते अपने अब्बा से सवाल पूछते हैं, अब्बा ये लड़ाइयां कैसे शुरू हो जाती हैं? तो अब्बा कहते हैं, सुन बेटा, फर्ज करो कि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान कुछ इख्तलाफ पैदा हो जाए, कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाए, तो अम्मी फौरन टोकती है, अरे अमेरिका और फ्रांस के दरमियान डिफरेंसेस क्यों पैदा हो जाएंगे? तो अब्बा बोलते, नहीं मैं खाली मिसाल दे रहा हूं। क्यों मिसाल दे रहे? ऐसे मिसाल दे रहे, ऐसे ना। बच्चा बोलता है, बस अम्मी, अब्बा मालूम हो गया कि लड़ाइयां कैसे शुरू हो जाती हैं। हमारे घर लड़ाइयों के मैदान बने हुए हैं। माँ बाप की इस झूठी अना की जंग में जीतता कौन है? कोई नहीं। हारता कौन है? उनका बच्चा। मुसलसिल उनका टैलेंट जो है वो जाया होते रहता है। अब गौर क्यों नहीं करते? केजीएफ फर्स्ट सेकंड 90%, थर्ड फोर्थ 75%, सिक्स सेवन तक गए तो 45%, टेंथ पास होने के बाद पास नहीं हो रहे हो। ये टैलेंट जाता कहां है? घर का माहौल जो है वैसा बिगड़ा हुआ है जो उसके ही होना है। अब जरा हम थोड़ा सा जल्दी गौर करते हैं कि क्या शिकायत है आखिर बच्चों को अपने माँ बाप से। सारे बच्चे यही कहते सुनाई देते हैं कि हमारे माँ बाप को, हमारे पेरेंट्स को हमेशा पड़ोस का बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। देख साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है, क्यों नहीं करता? घर आकर लेकर उसको, साजिद इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका मतलब ऐसा आपका बेटा इनकॉम्पिटेंट निराला है ऐसा नहीं है। उसमें इंजीनियरिंग की खूबी, आपके बच्चे में कुछ और खूबी होगी। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट जो है वो रखा हुआ है। तो करना क्या है अपने इसके अंदर, सुन लीजिए एक बहुत अहम बात। इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं उसमें से 5% बच्चे जीनियस, जीनियस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट, 20% बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, दोनों मिला के हो गए 25%, और 75% बच्चे, ह्यूज मेजॉरिटी जो है वो कौन है? एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्डेड। 75% बच्चे हैं। उसको भी माए ऐसा ही करती है ना, पहला तेरे को मैं मिली थी मुझे ऐसा बच्चा दिया, अरे 75% है वो, अपनी मेजोरिटी में है। तो उसके लिए करना क्या है, होता क्या है देख लीजिए। फर्ज कीजिए कि आपका बच्चा एक स्लो लर्नर है, 45% मानता है, और उसका बच्चा बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वो 90-95% मार्क्स लेता है, दोनों एक ही चैप्टर याद कर रहे हैं। व्हाट वर द रीजंस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजूहत क्या थे, 10 पॉइंट्स हैं। वो बच्चा बहुत जहीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, एक 20-25 मिनट के अंदर 10 पॉइंट्स याद करता है, अम्मी को सुना देता है, एक आधे घंटे में उसकी पढ़ाई पूरी होती है। आपका बच्चा एवरेज है, आधा पौना घंटा हो गया, एक घंटा हुआ, 5 पॉइंट्स की आज उसे गाड़ी बढ़ने रही। उसका बोलते हैं, अम्मी 5 पॉइंट्स के बाद पूछते हैं, पहला वर्ड था, पहला वर्ड तो जर्मनी, हाँ जर्मनी अटैक बेल्जियम, हाँ बराबर। अम्मी पहला वर्ड था, पहला वर्ड हिटलर, हाँ हिटलर ने नाजी पार्टी का हैंकर है। तो एक घंटा सवा घंटा हुआ और उसको 5 पॉइंट्स के बाद में लुकमा देने के बाद में उसको आगे गाड़ी बढ़ती है। एक घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा हुआ, आप क्या करेंगे? अब अम्मी क्या करेंगे बताइए, अम्मी क्या करेगी? दे थरातर कान के नीचे लाल करेगी अपने बेटे को। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है? अम्मी अपने बेटे को इसलिए नहीं मार रही है कि डेढ़ दो घंटे से उसको पॉइंट्स याद नहीं हुए हैं। अम्मी अपने बेटे को इसलिए मार रही है कि पड़ोस के बेटे को जल्दी क्यों याद हो गया? हम अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितने दूसरों के सुखों से परेशान है। यार वो सुखी क्यों है? नकल में अकल मारी जाती है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके अंदर जिंदगी उसे बहुत कामयाब होगी, ऐसा नहीं। हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि सर के टीचर का सवाल पूरा होने से पहले हाथ उठाते हैं जवाब देने के लिए।
प्रैक्टिकल लाइफ में आप चलते हैं वो उतने नाकाम हैं कि हाथ उठाने के बाद दूर रही सर उठा के भी नहीं चल सकते। अपनी जर्नल्स में खूबसूरत ड्राइंग बनाने वाले बच्चे आज उनकी जिंदगी की तस्वीर इतनी बदनुमा बन गई है वो देखने के लायक नहीं है। टैलेंट की कोई गारंटी नहीं रही है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत 39 40 और 41 में कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी और ये उसके लिए उसका अजर। कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस, ये कुरानी इक्वेशन है। टैलेंट इज इक्वल टू सक्सेस नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो क्यों बोला क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं? वो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने टैलेंट को ग्लोरीफाई करते हैं। आते हैं हमारे बच्चे गाइडेंस के लिए कि मेरे बच्चे ने 75% मार्क्स है, बड़ी अच्छी बात है। मालूम है कितने दिन स्टडी किया? खाली 15 दिन स्टडी किया। बेवकूफ है आपका बच्चा, इसलिए कि अगर वो 3 महीने पढ़ा होता तो 85% मिले होते, 6 महीने पढ़ा होता तो 90 क्रॉस किया होता। तो मतलब ना शुक्रा है, टैलेंट की कोई गारंटी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ में जो मेहनत करते हैं बच्चे उनको ग्लोरीफाई कीजिए, उनकी बात कर लीजिए। और माँ बाप टैलेंट करे बहुत होशियार है, बहुत होशियार, सब लोग जो देखते हो बोलते हैं होशियार है, इसमें वो अपने बच्चों के जो हैं वो दुश्मन बने रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है कि ये टैलेंट जो है वो कहाँ पर जाया हो रहा है, किस तरीके से जाया हो रहा है, इसको हमको समझने की जरूरत है। हम बात कर रहे थे कि यहां पर बात क्या होती है कि कई चीजों जैसे कोविड की वजह से खासकर हुआ था, लोग शॉर्टकट्स के पीछे भाग, जल्दी कमाए। मेरे वो लेक्चर्स होते करियर गाइडेंस के फेल होते थे, पेरेंट्स खुद बोलते थे क्वेश्चन सेशन में, बोलते यार ये सब क्या 3 साल का कोर्स 5 साल का, रोज शाम को मेरा बेटा 500 रुपए लेके घर से आएगा, बताओ रोज शाम के 500 रुपए करियर बन गया था उनके लिए। ये शॉर्टकट्स हमने अपना है, जब गल्फ कंट्रीज का बूम आ गया सब लोग जा रहे थे, कौन सी पोस्ट वो वीजा वीजा वो नहीं, वीजा करियर बन गया था। हमारे मेजोरिटी बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेज से फेंक कर हेल्पर ड्राइवर प्लम्बर फिटर वार्ड बॉय रूम बॉय चाय बॉय झाड़ू वाला पोछ वाला लाइन लगी है बच्चों की। वहां पर टॉप लेवल के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर है तो जरूरत नहीं उसकी, कुछ ये नहीं है, छोटे छोटे 15 छोटे मोटे गेंस के पीछे वो शॉर्टकट्स के पीछे जो भाग रहे हैं। कामयाबी जिस सिक्के का एक रुख है उस सिक्के के दूसरे रुख का नाम है कुर्बानी। पेरेंट्स भी कुर्बानी देने को नहीं चाहते, जल्दी जल्दी कमाने लग, कुछ भी कर कहीं पर भैया और जल्दी कमाने को लग, ये उसकी वजह से उनका करियर के नॉट अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली दुश्मन अगर बने हुए हैं तो ये हमारे पेरेंट्स हैं। अब यहां पर दो चीजें होती हैं जो उनको गरीब हैं, ये हैं उनको मैं कहता हूं देखो बचत का तरीका कुछ होता है, बचत और बजट एजुकेशन के लिए। जितने बच्चे आपके घर में हैं उतने नाम से गल्ला लगाइए, उनका मनी बॉक्स लगाइए, रोज 5 रुपए इसमें डालने के। औरत पूछती है मुझको सर आप क्या बात करते हैं, रोज 5 रुपए कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा कि आप एक चपाती कम खाओ तो 5 रुपए बचते हैं उसमें डाल। मेरे तो 4 बच्चे हैं, बोले 4 चपाती कम खाओ। मैंने कहा मैं भूखे रहूं? वो माँ ने मुझसे पूछा क्या मैं भूखे रहूं? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हदीस पर हम लोग अमल करते हैं, जूं तूं पेट पर पत्थर बांधने की हदीस पर उस पर हम तब अमल करेंगे। वक्त आ गया है कि एजुकेशन के अगर पेट पे पत्थर बांधना पड़े इतनी बड़ी कुर्बानी भी हमको देनी चाहिए। ये हुआ जो बेचारे बहुत गरीब है। अमीर लोगों का मामला भी पेरेंट्स अपने बच्चों के तालुक से मामला कैसे होता है, वो लोग क्या कहते हैं? अगर हमारे गल्फ कंट्रीज में बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, वो दो दो तीन तीन फ्लैट्स अपने बच्चों में, मैं इतना कमाऊंगा कि मेरे बच्चों के 3 नस्लों को कमाने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों भाई, क्यों दुश्मन बने होंगे? उनको कमाने तो उनको ये करने दो एकदम सफर नहीं, 3 नस्लों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम करते हैं। अब उसमें होता क्या है फिर अपने बच्चों को क्या बना के छोड़ते हैं? अरे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाने का सोच रहे थे तो वो उसके बजाय रेंट कलेक्टर बना के जाते हैं। 3 फ्लैट हैं वहां से भाड़ा आने वाला है। अब जब मेंटेनेंस जो बच्चों की होती है 25 तारीख को कुछ करते नहीं, 25 तारीख को भाड़ा तो आने वाला है वहां से, 1 तारीख को फोन करते हैं भाई भाड़ा दे रहे ना किराया दे रहे ना, 5 तारीख को बोलते भाई भाई भाड़ा दे रहे हैं क्या नहीं वसूल करने के लिए भेजू। वो बच्चे को क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोई रिसर्च स्कॉलर बना के गए ना अब्बा इस दुनिया से, रेंट कलेक्टर भाड़ा वसूल करने वाले बना के गए।
ये जो है वो इल्म की तरह इसमें इस तरीके से कुछ छोड़ के जाने का इसमें कोई चलन नहीं है, और वो छोड़ के जाते हैं रेंट कलेक्ट करने वाले। ये बड़े लोग हैं उनमें भी ये इस तरीके से ये हो जाता है। इतनी चैलेंजेस हैं, इतने करियर्स नए नए आए हुए हैं और उतने चैलेंजेस हैं, उसके लिए हमको खपना है, खपाना है अपने आप को। वो अगर नहीं होता है तो ये पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों की जिंदगी, अपने ही जिंदगी में वो नाकाम देखे जा सकते हैं या जाएंगे। ठीक है, तो ये आज तक यहाँ पे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिराज साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि मैंने टेड टॉक्स किया।